ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लोग भाषण दे रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि देख भाई, हम तेरे साथ हैं, हम जड़ने वाली कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हम यहाँ पे सबका खल्लास कर देने का, जो भी मांगेगा उसको खोपचे में लेके जाने का। हेलो बच्चा पट्टी, तो हमारा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द नेक्स्ट अटैक। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th का जो हिस्ट्री चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आइए हम चलते हैं और चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो हमारा बच चुका था पार्ट, उस पार्ट के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पार्ट हमारा बच चुका था। तो यहाँ पे देखिए द ग्रोइंग मिडिल क्लासेस इन्वेसिस एंड एंड ऑफ द प्रिविलेज, इसका मतलब यहाँ पे हो गया उभरते हुए मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों की अंत की कल्पना की थी। यहाँ पे सबसे पहले मतलब जो भी उभरते हुए मध्य वर्ग है, मतलब मिडिल क्लासेस जो है ना, तो उन लोगों ने विशेष अधिकार जो है, तो जिनके पास विशेष अधिकार है उनकी अंत की उन्होंने सोची कि अब उनको क्यों विशेष अधिकार मिलेगा, बाय बर्थ उनको विशेष अधिकार मिलने का वो अधिकार है क्या। मतलब जो जो इंसान अगर राजा पैदा हुआ कि जरूरी है कि वही राजा बनेगा, क्योंकि आज अगर डेमोक्रेसी कंट्री में अगर आप देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो किसान का बच्चा वो किसान ही बने, या फिर जो जो IAS का बेटा है वो IAS ही बने, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब वो अपने इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है और वो अपने टैलेंट के अनुसार ही वैसा वो बनता है। तो जिसका जितना टैलेंट होगा वो उसके अनुसार ही उतना बनेगा। तो यहाँ पे जो उदय हो रहे थे मध्य वर्ग में, जो लोग उदय हो रहे थे, एक्चुअली में देखिए मध्य वर्ग की बात इसलिए यहाँ पे की गई क्योंकि छोटे वर्ग के लोग हैं उनको तो वैसे उनका राइट्स ही नहीं पता था, पर मध्य वर्ग के लोग जो जो बिजनेसमैन के जो बच्चे, तो जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे ना, उनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे थे एंड दे वर नोइंग अबाउट देयर ओन राइट्स, तो उनको अपना राइट्स, उनका उनको अपना अधिकार पता चलने लगा। जब उनको अपना अधिकार पता चलने लगा तब उन्होंने ये आवाज उठाई और वो विशेष अधिकार के अंत की मांग करने लगे। तो यहाँ पे देखेंगे इन द पास्ट पीजेंट एंड द वर्कर एंड द पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट अगेन इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, मतलब पहले भी यह बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगर जो थे विद्रोह कर चुके थे, पर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब कामगर जो लोग थे और जो किसान वर्ग के लोग, तो वो विद्रोह तो ये सब पहले कर चुके थे, मतलब कि हाँ टैक्सेस कम कीजिए और जो भी चीज़ उनको कम करना है वो चीज़ कम कर दीजिए, लेकिन बट दे लैक द मीन्स एंड द प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर द वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे क्या था कि उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं की बुनियादें जो थी बदलवा के लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। देखिए सबसे पहले जो होता है कि आपके पास कुछ भी चेंजेस करना है तो आप कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेस चीज़ें हैं, वो आपके पास रहनी होगी। अगर आपके पास बेस चीज़ें नहीं है तो आपका थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो लोग जो थे पहले वहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ों भी उनके नहीं थे, क्योंकि जो बड़े लेवल के लोग थे वो उनसे बेसिक चीज़ें भी छीन रहे थे, तो वो बदलाव कहाँ से करते, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी पहले बुनियादी चीज़ें लाने की मतलब जद्दोजहद हद में वो लोग फंसे हुए थे, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट में दिया दिस वॉज द लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम द प्रॉस्पीरियस एंड द हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। तो यहां पे जो थे वे जिम्मेदारी तीसरे जो जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई थी और शिक्षित, मतलब मेन तो शिक्षा है, अगर लोग शिक्षित होंगे तो उनको अपना राइट्स पता चलेगा, जब उनको अपना राइट्स पता चलेगा तो किसी के भी जुल्म वो नहीं सह सकते या फिर किसी के भी द्वारा दिए गए अत्याचारों को वो नहीं सह सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए द 18th सेंचुरी विंसेंट द इमर्जेंस ऑफ द सोशल ग्रुप्स टर्म द मिडिल क्लासेज हु अर्न देयर द वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वेयर द आइदर एक्सपोर्ट टू बॉट बाय द रिच मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखिए यहाँ पे जो मिडिल क्लासेज में जो जो मेनली जो था टैक्स पेयर थे, मेनली टैक्स पेयर हमारे पास बिजनेस मैन ही थे, क्योंकि वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम, मेनली टैक्स पेयर सॉरी बिजनेस मैन और जो मतलब किसान वर्ग के लोग जो थे वो ज़्यादा टैक्स पेयर्स थे, ठीक है। और
और जो मजदूर वर्ग के लोग थे, ये तीन जो थे बहुत ज्यादा टैक्स पेयर्स थे। तो मजदूर वर्ग और जो किसान वर्ग के बच्चे तो बाहर पढ़ने नहीं जा रहे थे क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। हाँ, जो इकोनॉमिक क्लासेस के बच्चे थे वो बाहर जा रहे थे पढ़ने के लिए, और सीधा सीधा उनको पता चला था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या था कि 18वीं शताब्दी में नए समाज का उदय हुआ, जिसने कि मध्य वर्ग, जिसे कि मिडिल क्लासेस मेनली कहा जाता था, कि इस फैसले इसने फैलते हुए सांप्रदायिक व्यापार और ऊनी तथा रेशम वस्त्रों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि लाई, क्योंकि उनका जो बिजनेस था बहुत ज़्यादा फैल रहा था, ऊन का या फिर और भी जो क्लॉथ्स वगैरह था उनका बहुत ज़्यादा फैल रहा था। ठीक है, तो समृद्ध लोग जो थे उनके लिए खरीद के लाते थे, और तीसरे स्टेट मीन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा जो थी, जैसे वकील हो गया, पेशेवर लोग हो गए, ये सब सभी शामिल थे, उन लोगों को वो सेल करते थे। ठीक है, तो किसी भी समूह के पास जन्म विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। तो उन्हें बाद में अपना राइट्स पता चला, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में वो गए, अलग अलग ट्रेडिंग किया, अलग अलग लोगों से मिला, तो उनको अपना राइट्स बाद में पता चला कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि जन्म से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो राजा है तो उनका बेटा भी राजा बने, या फिर वो उनका आने वाला सुपुत्र भी राजा बने। ठीक है, तो ये चीजें जो ट्रेंडिंग थी खत्म करने के लिए वो लोग स्टार्टिंग में सोच रहे थे। देखिए, ऑल दिस वेर द एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी द प्रिविलेज बाय बर्थ। मतलब बाय बर्थ से उनको इस तरह की कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। रेदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन देयर द मेरिट। मेरिट पे मतलब उनको सारी चीज, अगर वो मेरिट है, जैसे कि कोई बंदा मेरिट है तो वो रेलवे में जा सकता है, वो SSC क्रैक कर सकता है, UPSC क्रैक कर सकता है, ये सारी चीज़ें। तो मेरिट के आधार पर वो उनको मतलब पता चला ये सारी। दीज आइडियाज Envisaging a society based on freedom and the equal laws and the opportunity for all were put forward to the philosophers such as John Locke and the Jean-Jacques Rousseau. थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इंग्लिश में, कोई बात नहीं, आप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स आए, बहुत सारे यहाँ पे, तो उन्होंने उन सब चीज़ों का मतलब फिलोसफर्स तो कि धीरे धीरे बढ़ रहे थे एक्चुअली में, तो उन्होंने इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब उल्लेख किया अपने बुक्स में, न्यूज़पेपर में, बहुत सारी चीज़ों में। तो लोगों को पता चला कि अच्छा ये राइट्स नहीं होनी चाहिए, तो राइट्स नहीं होनी चाहिए, तो जन्म मतलब बाय बर्थ राइट्स नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण बाद में ये सारी चीज़ें धीरे 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 लोगों के पास आई, लोगों ने उनके उन सब चीज़ों को जाना। ठीक है, तो उन्होंने इन द टू टेटिंग ऑफ द गवर्नर लॉक शॉट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट। देखिए यहाँ पे क्या था कि अलग अलग जैसे सामाजिक हैसियत एवं उनके आधार पर योग्यता ही होनी चाहिए, तो पता चली गया। देखिए स्वतंत्रता सामान्य नियमों तथा उनके अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह कल्पना जॉन लॉक और जियों जाक रूसी थे ये एक्चुअली में, जैसे दार्शनिक ने उन्होंने अपने अपने टू जो इनको बताया था टू टैटिस ऑफ गवर्नमेंट में ये जिक्र किया था कि लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। दैविक और निरंकुश अधिकार का मतलब क्या हो, दैविक का मतलब उन्होंने ऐसा पता चलता था कि दैविक मतलब उन्होंने भगवान ने उन्हें भेजा है, आप भगवान के द्वारा भेजे गए हो, लोग हो, आपको उन्होंने भेजा और आप ही बन सकते हो, या फिर आपके बनाए हुए जो खानदान है वही बन सकते, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने खंडन किया अपने बुक में। ठीक है, डिवाइन टू द शॉल्यूट द ऑफ द मोनार्च। ठीक है, द रॉसिन क्राइड एंड आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल दे आर द रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इनके दो लोग जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक ग्रुप्स है, एक ग्रुप्स का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, दूसरे ग्रुप है, दूसरे ग्रुप का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, दोनों को यहाँ पे ये चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था। तो राजा के दैविक निरंकुश अधिकारों का यहाँ पे खंडन किया था। रूस के इसी विचारों को आगे बढ़ाते हुए राजा और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा गया।
मतलब रखा गया कि हाँ भाई हम अपने अपने विचारों को रखेंगे। तो दोनों ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव आए उन्होंने बोला कि हम लोग अपने अपने विचार को रखेंगे कि क्या एक्चुअली में होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है अनुबंध आधार पर रखा गया। तो मात्से अब देखे यहाँ पे Montesi and propose a divine of the power within the government between the legislative. तो जो government के आसपास में जो powers थे वो legislative के सामने मतलब रखा सबसे पहले। ठीक है, the executive and the judiciary, the model of the government was put into the force in the USA after the 13 colonies declared their the independence from the Britain. तो ये चीज़ें देखिए US में पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि मॉन्सेव ने द स्पिट ऑफ अ लॉज नाम की रचना में सरकार के अंदर विधायक जो है या कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका बीच सत्ता विभाजन की बात कही। ठीक है ना, मतलब बुक्स में उन्होंने ये सारी बातें मतलब बोली है उस टाइम में। तो उस टाइम में जो था यूएसए जो था जो जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका आजकल बोलते हैं, उन्होंने 13 अलग अलग उपनिषद जो थे इसके कॉलोनीज जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, 13 अलग अलग कॉलोनीज में ब्रिटेन को खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। ठीक है, मतलब ब्रिटेन से इन्होंने बोला कि हम भाई आज़ाद हो गए इनसे, ठीक है, घोषित कर दिया। और उन्होंने इस मॉडल से और इसी मॉडल से सरकार को बनाया, मतलब अपने विचारों को रखिए, अपने अधिकारों को रखिए और उस मॉडल से उन्होंने सरकार को बनाया। अब देखिए यहाँ पे सब बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें लागू हो रही है कौन सी चीज़ें लागू नहीं होगी ये आगे हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उनमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब यहाँ पे आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। तो यहाँ पे मतलब जो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी जिसको बोलते व्यक्तिगत अधिकार का मतलब जैसे आज हमारे पास हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, हमारा व्यक्तिगत अधिकार हमारा राइट टू स्पीक है, मतलब जो हमारे सच बातें हैं उसको हम बोल सकते हैं या हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो हम बोल सकते हैं। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशन है, ये राइट टू इक्वालिटी है ना, ये सारे हमारे बेसिक अधिकार है जो हमें मिलने चाहिए। तो वहाँ पे एक्चुअली में नहीं था, तो बाद में उन्होंने जैसे कि बुक से देखिए हम कुछ भी चीज़ें अगर प्रेरणा लेते हैं तो हम पढ़ के नॉलेज लेकर के प्रेरणा लेते हैं दिया देख करके हम प्रेरणा लेते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम में बुक्स वगैरह और ये न्यूज़पेपर जो थे उनसे लोग पढ़ते थे और इन सब सारी चीज़ों से वो प्रेरणा लेते थे। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर वॉज डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलॉन्स एंड द कॉफी हाउसेस एंड द स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू द बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। तो ये जो थे दार्शनिक के विचारों पर काफ़ी हाउसों में सैलॉन और उसके गोष्ठियों में बहुत ही बहस हुआ था उस टाइम में। ठीक है, उनके पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, मतलब लोगों को एक नई चीज़ें नई उम्मीद जगा रहे थे ये सब जो थिंकर्स थे एक्चुअली में, जो फिलोसफर्स थे, जो राइटर थे, जो अच्छे लिख सकते, जो अच्छे पढ़े लिखे थे, तो लोगों में एक नई उम्मीद जगा रहे थे कि क्या हो सकता है एक्चुअली में। तो लोग तो वैसे बोलते हैं ना कि आपने क्रांति में डायलॉग दे लोग सोए हुए हैं, तो लोगों को सो के वो जगा सोए हुए थे उनको जगा रहे थे एक्चुअली में। लोगों के पास वो चीज़ें तो थी, लेकिन धीरे होता क्या है कि वो गट्स नहीं होता है अपने आप को आगे लाने का, तो बाद में वो चीज़ें आ जाती है। अगर आप पढ़ते हो कुछ जानते हो तो देन यू गेट द फुल गट्स फुल एनर्जी एंड यू स्टार्ट टू वर्क एंड स्टार्ट टू डूइंग व्हाट्स योर यू नो एम और व्हाट्स योर इक्वालिटी और व्हाटएवर यू वांट एक्चुअली, सो यू स्टार्ट टू डू दैट। सो इफ यू गेट द एवरीथिंग गट्स एंड नॉलेज अबाउट दिस राइट, तो उन्होंने पूरा करने के लिए कर लगाए थे। तो यहाँ पे जोर से पढ़ा जाए तो पुस्तकों अखबारों को लोगों के बीच में जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। अब लोग जो बेचारे अनपढ़ थे, क्योंकि ज़्यादातर जो लुईस जो था ना लुईस के खानदान का, तो एक्चुअली में लोगों को पढ़ा नहीं रहता क्योंकि उन्हें एक्चुअली साइकोलॉजी पता चल गई थी कि अगर आप लोगों को पढ़ाओगे ज़्यादा जानकारी दोगे तो वो आपके ऊपर ही चढ़ बैठेंगे, तो वो पढ़ा ही नहीं रहे थे लोगों को।
तो वो अनपढ़ बेचारे अब क्या करते, उनको तो ये सारी नॉलेज नहीं था, तो धीरे धीरे वो जो पढ़े लिखे लोग थे वो जोर से पढ़ते थे अखबारों को चाहे पुस्तकों को, ताकि वो अनपढ़ को भी आसपास में अगर बैठे रहे कहीं चाय कॉफी पीते रहे तो पढ़े और उनको भी पता चले अच्छा ये भी हो सकता है भैया, अरे भैया हो सकता है तो हम काहे नहीं जाएंगे, हमको काहे नहीं मिल रहा है भैया अधिकार है। तो ये सारी चीजें होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखिए, दिस वर द फ्रीक्वेंटली रीड लाउड इन ग्रुप ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु वाज हु कुड नॉट रीड एंड एंड राइट दिस न्यूज वर द लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेज जनरेटेड एंगर एंड द प्रोटेस्ट अगेन टू द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस समय में लुई 16 द्वारा जो राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध में गुस्सा भड़क गया था। तो जो विशेष जो अब यहाँ पे लुई 16 भैया का तो अलग ही क्रेज था, एकदम भाई वो अलग ही लेवल पे था, उनका तो खर्चे का कोई ठिकाना नहीं था। अब यहाँ पे खर्चा ज्यादा बढ़ रहा था, अब उनको पता चला था अच्छा लोग तो हैं कि बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें जान रहे हैं, अब इनके ऊपर फिर से टैक्स लगा देते, और वो टैक्स लगाने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा गलती की। अगर बंदा वो ज़्यादा टैक्स वैक्स नहीं लगाता, अगर ज़्यादा कुछ नहीं करता तो उसका कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर उसने टैक्स लगा दिया। अब देखिए सोर्सेज है हमारे पास, अकाउंट ऑफ लीव्ड एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रेजिमी, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखेंगे। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ओल्ड रेजिमी क्या। जॉर्ज डैंटन हु लेटर बिकम द एक्टिव इन द रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स रोट अ फ्रेंड इन द 1793 लुक बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज। तो आगे चलकर जो क्रांतिकारी जो थे राजनीतिक में सक्रिय होने लगे, और जॉर्ज डांस्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समय को याद किया और उन्होंने 1789 में अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा। ठीक है ना, तो क्या लिखा इन्होंने क्या लिखा एक्चुअली में, आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस एंड देयर आई वॉज द कंपनी ऑफ इम्पॉर्टेंट मीन। ठीक है, तो उन्होंने अपने बारे में लिखा कि वो एक ऐसे प्लेसेस कॉलेज में मतलब उन्होंने एजुकेशन लिया, एंड वहाँ पे जो कंपनी का जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे एक्चुअली में वो। ठीक है ना, पढ़ाई होने के बाद उन्होंने बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गए, और मतलब वंस द स्टडी एंडेड आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट, इट वॉज द इम्पॉसिबल टू फाइंड एट द लॉ कोर्ट इन पैरिस, एंड इन द चॉइस ऑफ कैरियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी एज आई वॉज नॉट एबल टू बाय बर्थ नॉट डिड आई हैव अ पैट्रॉन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्मी एक्चुअली में आजकल के टाइम की जो आर्मी आप देखेंगे तो वो क्या, उनके अंदर गट्स एकदम आग जो होता है ना वो चीज़ होता है। इंडियन आर्मी को देख लीजिए, हमारे इंडियन आर्मी को सैल्यूट है, आज उनके कारण ही हम लोग जिंदा हैं या उनके कारण ही हम लोग सांस ले रहे हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ जितने भी इंडियन आर्मी हैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब ये कभी भी बाय बर्थ नहीं मिलता, अगर कोई कर्नल का बेटा है तो वो जरूरी नहीं कि कर्नल बनेगा, हो सकता है वो कुछ आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जरूरी नहीं। लेकिन उस टाइम में जो चीज़ें चल रही थी एक्चुअली में वो चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब आर्मी का बेटा है तो वो आर्मी बनेगा, और पुलिस का बेटा जो मतलब जो सोल्जर्स लेवल पे, तो उनका बेटा आगे का जनरेशन वही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो ये थी। और जो यहाँ पे जॉर्ज डैंटन जो थे एक्चुअली में वो किसी भी तरह से वो ये नहीं कर पा रहे थे, मतलब अपने आप को जो जॉब खोजने, मतलब अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली, मतलब जॉब खोजने के लिए अब भटक रहे थे दर बदर, क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं मिल रहा था, ना ही आर्मी में जाने के लिए उनके पास एक्चुअली में बाय बर्थ कुछ भी था, मतलब बाय बर्थ अगर कि उनके पापा आर्मी में होते तो ये भी हो जाते, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी उनके पास। नॉट आई डिड हैव एन इम्पॉर्टेंट द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी आर रिफ्यूज, तो चर्च ने भी उनको सहारा नहीं दिया, कोई ओहदा भी खरीदने के लिए स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनकी जेब में एक मतलब फ्रांसीसी सू जिसको बोलते फ्रांसीसी पैसा उस टाइम में था वो भी नहीं था, पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था, और व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था लेकिन हमारी प्रतिभा में के इस्तेमाल करने का अवसर नहीं करा दिया। आजकल का टाइम भी ऑलमोस्ट देखिए
ऑलमोस्ट वही है बोल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भी थोड़ा सा होना चाहिए। आपको अगर आपके अंदर थोड़ी सी काबिलियत है, आपको पक्का जॉब मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, जो कि क्योंकि काबिल लोग अच्छे नौकरी पेशा पे जा रहे हैं, अच्छे लेवल पे अचीव कर रहे हैं और जॉब अच्छा कर रहे हैं। यानी कि आप सरकारी नौकरी पे चले जाओ और वहाँ पे काम ना करें, ऐसा नहीं। आप सरकारी पे नौकरी पे जा रहे हैं और वहाँ पे काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत बेहतरीन वाली बात है, है ना। तो यहाँ पे जो काबिल लोग, अब यहाँ पे आप काबिल है ही नहीं, आपने डिग्री ले रखा है, आपके अंदर कुछ काबिल नहीं, आप दो लाइन आप किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे लैक कर जाता था। उस टाइम में ऐसा नहीं था, उस टाइम में था कि लोगों के पास काबिलियत तो भर भर के थी, लेकिन जो गवर्नमेंट ही ऐसा था कि वो बेचारे वो उनको जॉब ही नहीं दे पा रहे थे, उनको उनकी एक्चुअली में जो मैनेजमेंट स्किल थी ना गवर्नमेंट की, बहुत ही बेकार थी। तो क्योंकि और भी अगर कंट्री की अगर हम बात करें तो उनकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी थी, जिसके कारण कि जो उनका जो पब्लिक था, पब्लिक जो थे उनको उन्होंने बहुत साथ दिया, ठीक है। तो सेकंड नंबर में यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखेंगे, एन इंग्लिश मैन ऑथर यंग ट्रैवल थ्रू द फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर्स फ्रॉम द 1787 टू 1789 एंड रोड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी, ही ऑफ्टन कमांडेड ऑन व्हाट ही शॉ। तो जो इंग्लिश मैन ऑथर थे, यंग ट्रैवलर जो थे, जो फ्रांस में जो ट्रैवलिंग एक्चुअली में कर रहे थे 1787 से लेकर 1789 में, उन्होंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा अपनी जर्नी का। ही ऑफ्टन कमांडेड ऑन द ही सॉ, जो चीज़ उन्होंने देखा वो चीज़ उन्होंने लिखा। क्या उन्होंने देखा? ही हु डिसाइडेड टू सर्व एंड द वेटेड अपॉन द स्लेव। तो मतलब कि इन्होंने लिखा कि सेवा टल में अपने गुलामों और खासतौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह कि जिंदगी वह अपनी ज़िंदगी ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उसे बिल्कुल भी भिन्न है, मतलब अलग है। तो फुल्ली अवेयर दैट द डूइंग ही सो प्लीसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ इन सिचुएशन विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ही कुड बी इन, मतलब जैसा उनको एक्चुअली में होना चाहिए ऐसा वो नहीं है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो वो मतलब चीज़ें यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं। हैड ही चूजन द सर्विस ऑफ फ्री एंड वेल ट्रीटेड मैन, एंड क्या उन्होंने अपने लिए कि अच्छे फ्री हो और आपके साथ दुर्व्यवहार ना हो, आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, क्या उन्होंने ये सारी चीज़ें चूज कर रखी? ऑफकोर्स सारे लोग यही चाहते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, लोग उनके साथ अच्छा ट्रीट करें, उनको अच्छा अच्छे समाज में रहे, अच्छी सारी चीज़ें हों उनके साथ, तो लोग यही चूज करते हैं। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं सिचुएशन था, ठीक है। एंड ही हु चूज टू डाइन इन टू कंप्लेंट ऑफ द विक्टिम, ग्रोनास शुड नॉट कंप्लेन इफ ड्यूरिंग अ राइट हिज डॉटर गेट्स किडनैप और हिज सन्स थ्रोट इन स्लिट। तो इस टाइम यहाँ पे मुक्त करने की भी सेवाएं ली जा रही थी, तो बेहतर वर्ताव जो करता है तो वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया। जो पीड़ित करा सुनते हुए भी भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी को अपवाह या बेटे का गला रेत दिए जाने के दुखड़ा भी नहीं रोना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है, आप पीड़ित हो, वो जिसके कारण वो सिर्फ आप, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, मतलब उनके बोलने का मतलब यह है कि अगर आपके पास जुल्म हो रहा, आप वैसे ही रहना चाहते हो, तो अगर आपकी बेटी के साथ किडनैप हो रहा तो भी आपको नहीं दुख होना चाहिए, आपके बेटे का गला भी रहता जा रहा है फिर भी आपको दुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी उसी तरह से चूज़ की है। तो लोगों को एक्चुअली में पता नहीं था, तो लोग बेचारे मासूम थे लोग उस टाइम में, तो उन्होंने बाद में इन सारी चीज़ों को पढ़ा, बाद में थिंकर्स आए, फिलोसफर्स आए बहुत सारे, तो उन्होंने अपने राइट्स बताए लोगों का कि आपके ये आपके साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बाय बर्थ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता आपके साथ कोई भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट सोर्स ए, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, ठीक है, मतलब हमारे पास किस तरह से क्रांति की जो शुरुआत हुई किस तरह से हुई। तो पिछले भाग में हम द लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर द रीजन व्हाई हैव लर्न्ड इन टू द प्रीवियस सेक्शन। देखिए प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि लुई 16 जो है, देखिए लुईस यहाँ पे और 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर द रीजन यू हैव लर्न्ड इन टू द प्रीवियस सेक्शन। तो क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को पता चले थे, तो बोला कि अच्छा
तो हमारे खिलाफ साजिश, तो लुई 16 को बता, अच्छा रुको बे रुको बेटा अभी तुम लोग को बताते। तो उन्होंने क्या किया, फट से कर दिया इंक्रीज, क्या किया, टैक्स इंक्रीज कर दिया। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट द डूइंग दिस, आपको क्या लगता है उन्होंने कैसा किया, वो सही किया, बिल्कुल नहीं किया, बहुत ही गलत किया लोगों के साथ, ठीक है। तो आप मतलब कैसे किया होगा, आप सोच सकते हैं कि मतलब उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर ऑफ इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, ठीक है। तो मोनार्च के पास तो एक्चुअली में खुद के लिए पावर नहीं था, मतलब अभी सिर्फ राजा अगर चाहेगा तो वो सिर्फ आप मतलब खुद नहीं कर सकता है कि हाँ आप आपकी जो मर्जी वो कर दो, ऐसा नहीं था। मतलब कुछ राइट्स तो थे पर वो उतने सारे नहीं थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विलेलॉन रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग इनटू द ईस्टर्न जनरल विच वुड देन पास इज द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, ठीक है। अब जो थे कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनको बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग ली गई। मीटिंग लेने के बाद तो जो इथेस जो थे जनरल स्टेट की जो जिसको प्रतिनिधि जिसको हम बोल सकते हैं आजकल के टाइम में, जिसको एमपी एमएलए जिसको हम लोग बोलते हैं वही हमारे पास, ठीक है। उनकी मीटिंग बुलाई गई। द स्टेट जनरल वॉज द पॉलिटिकल बॉडी एंड विच हैड द 3 स्टेट सेंट टू द रिप्रेजेंटेटिव, तो 3 स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में बुलाया गया। हाउएवर द मोनार्च अलोंग कुड डिसाइडेड when to call a meeting to his body the last time it was done in 1614 में, मतलब ये मीटिंग किया गया था, आप सोच सकते हो। उसके बाद टैक्सेस में कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ, सीधा आपका कब 18th century में, मतलब इतनी ज़्यादा गया। आजकल तो मतलब कुछ छोटी सी चीज़ों के लिए मीटिंग हो जाती है, हाँ, लेकिन ये था उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना ट्रैवलिंग्स नहीं था जिसके कारण कि ये सारी चीज़ें, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी एक राजा का जो कर्तव्य होता है वो एक्चुअल में वो नहीं कर रहे थे कि आप मीटिंग आप मंथ में भी ले सकते थे, आराम से ले सकते, लेकिन उन्हें अपने उनकी सहूलियत जो मिल रही थी तो वो क्यों करेंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे था ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 कॉल टुगेदर असेंबली ऑफ द स्टर्न जनरल ऑफ द पास प्रपोजल ऑफ न्यू लॉ, तो जो जितने स्टेट जनरल थे उनको बुलाया गया लुईस 16 के साथ मीटिंग करने के लिए और न्यू लॉ को प्रपोजल पास करने के लिए बताया। रेस्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्सेल वाज द प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, तो जो यहाँ पे जो आए थे तो एक बैठक बुलाई गई प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए। वसार ने एक आलिशान भवन को सजाया था पहले से और दूसरे स्टेट की इस बैठक में अपने 300-300 प्रतिनिधि भेजे थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड। देखिएगा कौन से स्टेट जा रहे थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट वाले में भी मैं आपको बताता, बहुत ट्विस्ट है इसमें, ठीक है ना। प्रतिनिधियों को भेजा गया और आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े थे, मतलब फ्रंट में जो थे 300-300 किसके, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के, तो और बाकी जो 600 थे जो थर्ड स्टेट के यहाँ पे थे। वाइल द 600 मेंबर इन द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, द थर्ड स्टेट वॉज द रिप्रेजेंटेड बाई वन मोर प्रॉस्पीरियस एंड द एजुकेटेड मेंबर, पीजेंट आर्टिशियन एंड वुमेन वेयर द डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। तो ज़्यादातर बोले कि अब भाई हमको एजुकेटेड मेंबर चाहिए, तो अब आप ये सोच सकते हैं कि फर्स्ट थर्ड स्टेट में कितने एजुकेटेड होंगे, कहने वाली बात है ना, थर्ड स्टेट में एजुकेशन नहीं था क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ने रोक रखा था, बैन रखा था, उनके अधिकारी नहीं दिए थे, कोई फैसिलिटी नहीं दी थी उनको, बहुत कम फैसिलिटी दी थी, हो सकता है दी होगी पर बहुत कम फैसिलिटी दी थी, ठीक है। तो 600 मेंबर्स तो टोटली आपका समझिए कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का आ गया। थर्ड स्टेट में हमारे पास किनको बैन था, ये आप देखिए, बैन था हमारे पास सबसे पहले आर्टिशन पीजेंट को, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, आर्टिशंस वगैरह को, वुमेन नहीं आ सकती, ये सारे बैन थे वहाँ पे। हाउएवर द ग्रीवेंसेस एंड द डिमांड वेयर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड बॉर्ड
विद्यम। तो यहाँ पे 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे, 40,000, ठीक है, तो वो लेके आए थे। तो वहाँ पे वोटिंग सिस्टम में, मतलब बाद में यहाँ पे उनके जो मेन मेन राइट्स थे वो चीज़ें यहाँ पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट इच स्टेट हैड टू वन वोट। तो यहाँ पे जो जनरल स्टेट जो है, स्टेट जनरल जो है, उनके अनुसार जो था हर एक स्टेट को अपना वोटिंग का अधिकार, एक वोट का तो अधिकार होना ही होना है, ठीक है। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिसेस। तो ये जो लुइस 16 ने बोला, भैया आप तो हमारे जो पप्पा ने बताया हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम दूसरा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उसको पता था कि वो जो उसके पप्पा ने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग फायदा है, बाकी चीजें तो बकवास है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी, लोगों अपने राइट्स को जान चुके थे, लोगों को पता था कि हमारे पास ज़्यादा पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दिस टाइम टू लुइस 16 वर डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिसेस, बट द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंटिन्यूड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। तो उन्होंने बोला कि थर्ड स्टेट में जो टैक्स पेयर थे एक्चुअली में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे हर एक को कम से कम अपना एक वोट का अधिकार तो होना ही होना चाहिए भाई, इससे कम कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर लाइक रूसियन इन हिज बुक। तो ये डेमोक्रेटिक फिलोसफी था जो शुरू शुरू में उभर के आया था, अब तो पुराना हो चुका है, लेकिन उस टाइम एकदम शुरू शुरू लोगों को लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जो एक फिलोसफर थे उनका नाम था डेमोक्रेटिक फिलोसफर थे लाइक द रूसियंस इन हिज बुक, उनका बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उनके बुक में ये सारी चीजें मेंशन थी। व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक्ड आउट टू द असेंबली इन प्रोटेस्ट, ठीक है। जब किंग ने इसके डिमांड को, मतलब बोला कि प्रपोजल को, बोला कि नहीं हम आपके डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, तो थर्ड स्टेट की जितनी भी असेंबलीज मेंबर थे वो वहां से चले गए, बोले कि हमको इसमें रहना ही नहीं है, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज अ स्पोकमैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। तो अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे अब बोले कि भैया आप तो बात ऐसा है कि अब हमारा अधिकार होगा यहाँ पे, लुई 16 अब खत्म, अब गया काम, खत्म सब कुछ खत्म, ठीक है ना। द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोकमैन फॉर हिज होल फ्रेंच नेशन। तो बोला कि अब हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे और हम आपके साथ बोलेंगे और हम बोल के हम अपना अधिकार को लेंगे। ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्सेटाइल दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ नेशन असेंबली एंड द सोर नॉट टू डिस्पायर टिल दे हैड ड्राफ्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रेंच दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। मतलब ये था इनके कि देखिए स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार जो प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का तो अधिकार था, इस बार लुई 16 की प्रथा का पालन करने के लिए, परंतु वर्गों के प्रतिनिधियों की मांग थी कि हर एक को अपना एक अधिकार होना चाहिए। तीसरे स्टेट ने प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसी का राष्ट्र का प्रवक्ता जिसको बोलते हैं वो मान लिया था, ठीक है। 20 जून को ये प्रतिनिधि वसायर के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, मतलब वसायर जगह है वहाँ पे एक इंडोर टेनिस कोर्ट है जो कि बहुत बड़ा था, वहाँ पे सभी जमा हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। मतलब जब तक वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब तक कि उनके उनके अकॉर्डिंगली उनको सारे राइट्स नहीं मिल जाते, उनके अधिकार को जो मेन राजा उनके अधिकार को कम नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक्चुअली में यही होता है, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि प्रजा का तंत्र। तो प्रजा के तंत्र में हमारे पास ये होता है कि जितने भी प्रजा हैं उनको अधिकार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राजा, मतलब राजा एक्चुअली में होता ही नहीं है, प्रजा ही राजा है। लेकिन अभी वैसा आप बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी बहुत सारे डेमोक्रेसी में होती है, बहुत सारी होती आई है, लेकिन दुनिया है, चलता है, चलते ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें
जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में आया तो लोगों को तो शुरू शुरू में सही लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम लाया जाए डेमोक्रेसी, पर एक्चुअली में वो सही था भी। बाद में देखेंगे इस यहाँ पे कि और क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए उन्होंने अपने आप को दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम कभी भी किसी राजा के अधिकार को जब तक कम नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है भैया, ठीक है। उनके नेतृत्व में मिराव्यो और आव्य आव्य सीए नहीं किया, तो उनका जो नेतृत्व है जिसको बोलते हैं जो आगे आए, दो लोग आगे आए यहाँ पे, टिल दे हैड द ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च, ठीक है। दे हैड लीड बाय द मिनार्बे और द आबे सीए, तो मिनार्बन वॉज बॉर्न इन द नॉबल फैमिली बट वॉज द कन्विक्टेड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ द फेडरल प्रिविलेज। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया गया कि जो नियाबे था उन्होंने कुलीन परिवार में जन्म लिया था, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कुलीन आजकल बोलते हैं ना, जो मजदूर, जो गरीब पिछड़ा, उसके परिवार में जन्म लिया था, ठीक है। लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों के वाले समाज को खत्म करने की जरूरत को सहमत था, बोलता था कि जो सामंती, सामंती का मतलब यहाँ पे होता है वैसे राजा जो कि अपने उनके बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा वो चलते आ रहा, तो उनको बोला कि नहीं भैया हम आपको अधिकार क्यों देंगे, हम अगर हम काबिल हैं तो हम काबिल हैं तो हमारे काबिले तारीफ होनी चाहिए, आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, हम आपके अधिकार को खत्म करके रहेंगे। तो उनका ये कहना था एक्चुअली में, ठीक है। समाज को खत्म करने की जरूरत को सहमत था और उनकी पत्रिका निकाली थी और वशार में जुटी भीड़ को समक्ष जोरदार भाषण भी दे, तो वो उन्होंने एक अपनी एक पत्रिका निकाली और मतलब जो उनके ग्रुप्स थे उनमें बहुत अच्छा भाषण वाषण दिया, एकदम मस्त टकाटक एकदम कर दिया और फिर वो बन गए लोगों के जनप्रतिनिधि, क्योंकि एक लोगों का कोई ना कोई तो जनप्रतिनिधि एक होना ही चाहिए। तो ये अपना बंदा, क्या नाम है इसका, दो बंदे थे, एक मिराव्यो एंड आबे सीए, ठीक है, तो वो बन गए थे। बाउट आउट टू द जनरल एंड द डिलीवरी पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबली एट वर्सटाइल, ठीक है ना, वर्सलाइज वर्सेसाइज जो भी, ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ कि एक पत्रिका निकालो झूठ और भाषण भी दिए। अबे सीए मूलतः पादरी था, दूसरे के बाद में अगर हम बात करें अबे सीए तो वो क्या था, पादरी, पादरी का मतलब जो पंडित जी लोग होते हैं आजकल यहाँ पे हिंदू में पंडित जी लोग बोल सकते हैं उनको, तो वो पंडित जी लोग थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लोग भाषण दे रहा है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि देख भाई हम तेरे साथ हैं, हम डरने वाली कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हम यहाँ पे सबका खलास कर देने का, जो भी मांगेगा उसको खोपचे में लेके जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे थे एंड एबीसीआई ओरिजिनली अ प्रिस्ट रोड एंड द इन्फ्लुएंसल पैम्फेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पैम्फेट जो एक पत्र शीर्षक था, अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका था जिसको हम बोल सकते हैं पैम्फेट, उसमें लिखा गया था कि थर्ड स्टेट क्या है, मतलब क्यों है कि थर्ड स्टेट हमें क्यों अलग रखे। जिस वक्त नेशनल असेंबली अब संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलन हो रहा था, ठीक है ना। द नेशनल असेंबली वॉज द बिजी इन द वर्सटाइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सी दिस विद द टर्मोइल, मतलब पूरा का पूरा फ्रांस बोला था कि नहीं भैया अब तो हमको अपना लेना ही लेना। अब देखिए आपको जब भी एक राइट सही होता तो आपको एक ड्राफ्टिंग करना होता, आपको आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट कीजिए, प्रपोजल लाइए पूरा अच्छे से, तभी आपको यहाँ पे, यानी कि आप मन में सोच लिए बोल दिया, ऐसा नहीं होता है ना, सब कुछ एक सिस्टमेटिकली ढंग से यहाँ पे करना होता। तो जब ये चीज़ें तैयार हो रही थी तब तक फ्रांस में जो था पूरा का पूरा आग लग चुका था, पूरा का पूरा फ्रांस जो था बोला कि हम, क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे ही थे तो बोले कि हम तो चाहिए ही चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए या फिर हमें अधिकार चाहिए या फिर राजा के अधिकार को कम होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अ सर विंटर हैड मींट अ हेड हार्वेस्टेड द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज ऑफ्टन बी बेकर्स एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन द हॉर्ड सप्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि पूरा नेशनल असेंबली संविधान का तो कराड़े यहाँ पे ठंड आ चुकी थी, जिसके कारण क्या फसल जो है खत्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा ठंड उस साल पड़ा था, फसल भी खत्म हो चुका था और हुआ क्या था कि और पावरोटी की कीमतें जो थी बहुत ही आसमान छू रही थी, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा हो रहा था तो ऑब्वियसली बात है छुएगा ही छुएगा आसमान,
आसमान छूते, बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट। देखिए जमाखोरी अभी भी है, पहले भी था, हमको लगता आगे भी चलेगा, भगवान ना करे ऐसा हो। भाई यहाँ पे आए हैं, लोगों को दीजिए, आप जो मटेरियलिस्टिक थिंग है यहीं पे रह जाएगी, कहीं कुछ नहीं जाने वाला, आप मरोगे तो कहीं आप कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें हैं जो यहीं पे रह जाएगी, तो जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही गैर कानूनी है, इसके खिलाफ मैं भी हूँ। और वहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, तो जमाखोरी में जुटे थे जो थे, और बेकरी की दुकानें पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्सा औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। मतलब जो बेचारी, अब लेडीज़ लोग भी क्या करेगी, अब उनका भी पेशेंस जो था धीरे धीरे एकदम कम होते जा रहा था। तो आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन अ लॉन्ग क्वीज ऑफ द बेकरी, क्राउडेड ऑफ द एंगर वुमेन इज स्ट्रोम्ड इन टू द शॉप, एंड एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इन टू द पैरिस ऑन 14 जुलाई। द अगेटेड ट्रॉड स्ट्रोम्ड एंड द डिस्ट्रॉय द बैस्ट्रिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ों के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो पूरा जो था 14 जुलाई को बास्टिल पर धावा बोलकर उसे निस्ते नाबूद कर दिया। मतलब सोच सकते हैं पूरा बास्टिल को ही ख़त्म कर दिया, पूरा जगह जो था बास्टिल का पूरा ही ख़त्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेडेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड ऑफ द ब्रिगेंडेड फूर वेयर देयर द वे ऑफ द डिस्ट्रॉयड द रिप्स क्रॉप राइप क्रॉप। तो देहाती इलाकों में गांव-गांव में घूमकर ये अफवाह फैला दी गई थी कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठाए लुटेरे का गिरोह बुला करके जो कि पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े थे, ताकि कई जिलों में भय से आक्रांत होकर के किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीणों किलों पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रूमर्स ने भी बहुत काम, मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अफवाह फैलाई, ठीक है, कि जो आए थे लठायत आए थे और उन्होंने सबको मार दिया। तो जो किसान थे, जो किसान वर्ग के लोग थे, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उन्होंने, उनके पास क्या अधिकार हो सकता, उनके पास क्या हथियार हो सकता, कुदाल हो सकता है, कुल्हाड़ी हो सकता है, या फिर आजकल जो बेलचा वगैरह जिसको बोलते हैं, खंती बोलते हैं, वो सब हो सकता है। तो वो लेकर के धावा बोल दिया उन्होंने, ठीक है, और आक्रमण कर दिया उन्होंने। अन्न के जो जितने यहाँ पे भंडार थे उनको लूट लिया, क्योंकि भाई वो अब जमाखोरी नहीं कर सकते इस टाइम में, ठीक है। कॉट द फ्रेंची ऑफ द फियर एंड पीजेंट ऑफ द सेवरल डिस्ट्रिक्ट सेज होज एंड द पिच फ्रॉक्स एंड द अटैक्ट चैटोएक्स दे लूटेड हॉर्डेड हॉर्डेड ग्रेन एंड द बर्न ड्राउन टू द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्डेड ऑफ द मोनोरियल ड्यूज, ठीक है ना। जो कि मोनोरियल ड्यूज का मतलब होता है जिनके ऊपर कितना ड्यूज है नहीं है, तो उनके चीज़ों को और डॉक्यूमेंट को जला दिया कि क्यों रहे डॉक्यूमेंट, हम जो भूखे मर रहे हैं टैक्स तो हम ही पे कर रहे हैं, और हम ही कमा रहे हैं, हम ही चीज़ों को उगा रहे हैं, और हमें ही नहीं खाने दिया जा रहा है, वो जो हमसे टैक्स पे कर रहे हैं वो मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जिनके कारण ये लूट हुआ और जिनके कारण वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई, ठीक है। बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए अपनी। देखिए यहाँ पे था कि इन द कंट्री साइड फेस्ड विद द पावर ऑफ द रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड ओरिजिनेशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो अपनी विद्रोही प्रजा को की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंत में क्या किया, अब लुईस भैया समझ गया था कि भाई इनके सामने अब कुछ नहीं चलने वाला, अब इनके जितने भी शर्त मान लो, तो नेशनल असेंबली का मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उनकी सत्ता अब से संविधान का अंकुश होगा। मतलब उनकी संविधान में एक प्रकार से वो चीज़ें होंगी, पर वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फेस्ड विद द पावर ऑफ द रिवॉल्विंग सब्जेक्ट लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइज टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट द पावर्स वुड फॉर्म नाउ अ चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्लेयर एब्लॉशिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड द टैक्सेस। तो 4 अगस्त 1979 में असेंबली पास हुआ और यहाँ पे सारी चीज़ें फेडरल सिस्टम जो ऑब्लिगेशन वगैरह लगाए थे टैक्सेस वगैरह वो सारी चीज़ों में एक नई चीज़ें आई, ठीक है। तो 1789 को असेंबली और जो सामंती व्यवस्था थे उन्मूलन का उसको पारित कर दिया गया, और पादरी वर्ग के लोगों के
को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। पादरी जो पंडित जी लोग थे बोलते थे कि हम पंडित हैं तो हम ही सब कुछ आपको बताएंगे, हमारे अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे बंद कर दी गई। लेकिन आप हैं, आपके अकॉर्डिंग हम क्यों चलें, हमारी ज़िंदगी हम अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर विशेषाधिकार किया गया। तो धार्मिक का भी धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया। धार्मिक कर का मतलब होता है जो भी आपको धर्म मतलब भगवान के लिए टैक्स देना पड़ता। अब ऐसा देखिए कहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ना, क्योंकि आपको धर्म के लिए टैक्स कोई भी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, आप दान कर सकते हैं, वो दैट डजेंट मैटर, दैट द अदर थिंग्स, राइट। तो आप दान कर सकते हैं, समाप्त कर दिया। और चर्च के साम जो जो लैंड था जो चर्च का, जो जैसे कि पादरी के पास लैंड था, वो सब भी जब्त कर लिया गया था। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई, ठीक है। तो 20 अरब की जो लिब्रे संपत्ति थी, थाइस वेद द एब्लॉइस्ट एंड द लैंड ओन्ड बाय द चर्चेज वेद द कॉन्फिस्टेड एज द रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर एसेट वर्थ द अबाउट द 2 बिलियन लिब्रेस, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, ठीक है ना। फ्रांस जो संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, किस तरह से बना, क्या प्रोसेस रहा इन सब चीज़ों का बनने का, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए और फर्स्ट पार्ट को देखिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अभी सेकेंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे अभी नेक्स्ट में लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।